now let us take question number 5 of paper 1 in this question it is given at t equal to 0 a disk of radius 1 meter is started to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration alpha equal to 2 by 3 radian per second square a small stone is stuck to the disk at t equal to 0 it is at the contact point of the disk and the plane लेटर एट द टाइम इक्वल टू रूट फ्रॉम द डिस्क द मैक्सिमम हाइट इन मीटर रीज बायोन मेजर प्लेन इज बाई टू ऑफ एक्स वी नीड टू कैलकुलेट एंड नीड टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिचुएशन क्या है कि एक डिस्क इक्वल टू जीरो रोल करना स्टार्ट करती है डिस्क की रेडियस हमें मालूम है, मालू है 1 meter. एंड एंगलर एक्सप्रेशन एल्फा की वैल्यू भी हम लोगों को मालूम है एक स्मॉल स्टोन इसके कांटेक्ट पॉइंट पे डिस्क और प्लेन के कांटेक्ट पॉइंट पे इक्वल टू जीरो में स्टक कर जाता है और टी इक्वल टू रूट पाई सेकेंड में ये स्टोन डिस्क के कांटेक्ट पॉइंट से डिटेच होता है और ये फ्लाई ऑफ करता है टेंजेंशियल टू द डिस्क हमें मालूम करना है कि इस स्टोन की मैक्सिमम हाइट बाय द स्टोन ये स्टोन कितनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा मेजर फ्रॉम द प्लेन जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो रोल कर रहा था उससे मैक्सिमम हाइट कितनी होगी यहां पे इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करनी है 1 by 2 plus x डिवाइडेड यहां पे x की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है तो यहां इस सिचुएशन के लिए सबसे पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जैसे क्वेश्चन में हम लोग क्लेरिफाई कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू जीरो टी की वैल्यू हम लोगों को मालूम है रूट पाई सेकेंड एल्फा की वैल्यू हम लोगों को मालूम है तो हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि जिस समय स्टोन डिस्क के सरक्रम से डिटेच हुआ उस समय डिस्क ने कितना एंगल रोटेट कर लिया दैट मीनस वी नीड टू फाइंड एंगल रोटेटेड बाय द डिस्क एट इक्वल टू रूट बाय सेकेंड पे एंगुलर एक्सलेशन कांस्टेंट है

ये t इक्वल टू जीरो की सिचुएशन है जिस समय स्टोन यहां पे डिस्क के साथ अटैच हुआ इस कांटेक्ट पॉइंट विद अ प्लेन और t इक्वल टू रूट पाई सेकेंड के बाद डिस्क ने एंगल रोटेट किया पाई बाई थ्री तो स्टोन की पोजीशन यहां कहीं होगी स्टोन इस, इस समय ये डिस्क रोटेट कर जाएगी पाई बाई थ्री तो स्टोन यहां पर आ जाएगा अब स्टोन यहां से फ्लाई करता है दैट मीन्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका

हम लोग यहां डायगनल के डायरेक्शन में देख सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जिस समय ये डिटैच हुआ यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी एंगल एंगल से angle, इस वेलोसिटी वेक्टर की अगर ये मालूम हो जाए तो हम लोग यहां पे सिंपली काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हमें आ जाएगी मैक्सिमम हाइट रीज बाय द स्टोन ये वाली जो हाइट होगी इस हॉर्जेंटल लाइन के अबब होगी दिस इज द एच मैक् वैल्यू ऑफ वी एंड थीटा अब हमें यहाँ पे वीट इज नेट वेलोसिटी ऑफ द स्टोन और हमें थीटा की वैल्यू कैल्कुलेट करनी होगी नेट वेलोसिटी ऑफ द स्टोन कैलकुलेट करने के लिए वैक्टर हमेशन कर दे एंड नो दिस एंगल इज फाइव बाई थ्री और ये नाइन्टी डिग्री एंगल है दिस एंगल इज नाइंटी डिग्री क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने इसे थ्रो किया हुआ है ये एक राइट एंगल ट्रेंगल यू कैन ऑब्जर्व अगर ये राइट right एंगल है तो ये एंगल हो जाएगा पाई डिग्री okay? में दोनों हैं और उनका हमें समेन चाहिए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा आर होल स्क्वायर प्लस वी सी एम स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाईगा आर मल्टीप्लाइड बाई वी सी एम मल्टीप्लाइड बाई कॉस वन ट्वेंटी राइट आ जाएगा वी की वैल्यू एंड वी नो ओमेगा इज इक्वल टू वी सी एम तो जहां कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी वी सी एम के बराबर वी इज इक्वल टू वी सी एम और वीसीएम की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज इक्वल टू टू रूट पाई डिवाइडेड बाई थ्री यहां पर मैं वैल्यू रख देता हूं वैल्यू ऑफ वी अब यहाँ पे थीटा कैलकुलेट कर लें थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल वैक्टर का फॉर्मूला फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई साइन वन ट्वेंटी डिग्री दिस टोटल एंगल डिवाइडेड बाई वी सी एम प्लस उमेगा आर कॉस वन ट्वेंटी डिग्री राइट ये फॉर्मूला वैक्टर में हम लोगों ने यूज किया था और दिस वैल्यू 3, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू रूट थ्री आती है VCM r, यार, VCM, ये हो जाएंगे, और ये वैल्यू आएगी रूट थ्री और रूट थ्री आने का मतलब तो अब ये सिक्सटी डिग्री एंगल पे हॉर्जेंटल से थ्रो किया जाता है और अब हमें यहाँ पे मालूम करना है एच मैक्स एच मैक्स दैट इज द मैक्सिमम हाइट इज बाय दार्टिकल

लेकिन हमें ग्राउंड से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ग्राउंड से हाइट कैलकुलेट करनी है ये जो हमारे पास हाइट आई है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में आई हुई है बट वी नीड टू कैलकुलेट हाइट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट अब ये जो हाइट है या ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये अगर कैलकुलेट करें यू नो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर एंड दिस साइड इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस पाई बाई थ्री Okay. और कॉस 60 आप कह लें तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी आ जाएगी आर माइनस आर कॉस सिक्सटी अगर मैं यहां पे कैपिटल आर कॉमन ले लू तो ये आ जाएगी आर वन माइनस कॉस सिक्सटी तो H मैक्स में अगर ये अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो अब हम लोग हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कैलकुलेट कर लें दिस इज R1 वन माइनस कॉस सिक्सटी प्लस

जीरो पॉइंट फाइव टू आ जाएगा दैट मीनस एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू यहां पे मैं आंसर लिख दूंगा जीरो पॉइंट फाइव टू दिस इज आंसर